हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 मार्च से दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोरोना का टीका लगवा चुके हैं और इसके अलावा कई बड़े मंत्रियों ने कोरोना का टीकाकरण करवा लिया है, अपना पहला डोज पा लिया है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस के जो वेरियंट्स है वो लगातार सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी ब्राजील में जो नया वेरियंट सामने आया था P1, वो अब ब्रिटेन में पहुंच गया है, जो कि अब टेंशन की बात हो गई है। साथ ही में बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और हरियाणा के एक स्कूल हॉस्टल में 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो हमें कई प्रकार की भावनाएं देती हैं, जैसे कि बहुत शांति तो कभी बहुत ज्यादा परेशानी। हालात इस तरीके के हो जाते हैं कि भाई इस सिचुएशन में करें तो क्या करें, क्या सरकार करे, क्या हम करें। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि हम सारे प्रोटोकॉल्स का अच्छे से पालन करें, यानी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग और खुद को सैनिटाइज रखना। इस तरीके की चीजों को हमें खुद इस्तेमाल करके इस कोरोना महामारी से हम अपना कर सकते हैं। लेकिन अब इतनी सारी बातों के बाद चलिए आज के हमारी टॉप 5 खबरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे देश में कोरोना के हाल पर। देश में कोरोना मरीजों की मिलने वाली रफ्तार अब लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 14,989 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 98 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई। तो वहीं साथ ही में इस दौरान 13,123 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। भारत में अब तक कुल कोरोना मामलों की संख्या 1,11,39,516 है, जिनमें से 1,57,346 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 1,08,12,044 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। देश भर में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है, यहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो वही केरल भी यहाँ पर महाराष्ट्र को कड़ी टक्कर दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। तो वही हरियाणा का हाल ये है कि एक स्कूल हॉस्टल में 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी अपडेट, कोरोना का नया वेरियंट आया सामने। जानिए क्या है ये नया वेरिएंट P1, कितना है खतरनाक। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार और लगातार म्यूटेट करने की उसकी शक्ति को देखकर तो यही लगता है कि कोरोना वायरस महामारी धरती को इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाला नहीं है। अब ऐसे में कोरोना वायरस के जो दो नए वेरिएंट हैं, जो कि ब्राजील में पाए गए हैं P1 और P2, इसने अब ब्रिटेन का रुख कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील से मिले दो वेरिएंट P1 P2 से ब्रिटेन के 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 3 स्कॉटलैंड में और 3 इंग्लैंड में। अब ब्रिटेन में सरकार और प्रशासन इस जद्दोजहद में लग गई है कि आखिर इन 6 लोगों के संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए, ताकि ये जो नया स्ट्रेन है ये लोगों को ज्यादा संक्रमित ना कर पाए। आपको बता दें कि ये जो P1 वायरस का नया स्ट्रेन है ये जापान में मिला था, लेकिन अमेज़न नदी के किनारे बसे मनाउस में इससे संक्रमित लोग पाए गए। इसके बाद ब्राजील में इस वेरिएंट ने खुद को म्यूटेट किया और ये बन गया P2 वायरस, और अब ये P1 और P2 पहुंच गया है ब्रिटेन। और जिस तरीके से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है और लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रहा है, उससे ये जो हालात है और भी ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। तीसरी अपडेट, दुनिया से जल्द ही होगा कोरोना का खात्मा। WHO ने दिया बड़ा बयान। WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बहुत ही असामयिक और अविश्वसनीय होगा कि कोरोना वायरस महामारी का खात्मा इस साल के अंत तक हो जाएगा। दरअसल उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी अब लगातार अपने अंत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी टीके के साथ वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है वो प्रभावी तौर पर कोरोना का खात्मा करने में सक्षम नजर आ रहे हैं। WHO के आपातकालीन कार्यक्रमों के निदेशक डॉक्टर माइकल ने कहा है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन के साथ ही लोग अपनी इम्यूनिटी को वापस पा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि भविष्य में अस्पताल में भर्ती होना और कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज होगी। इसी के साथ ही WHO की तरफ से लाइसेंस प्राप्त ये जो भी टीकों के साथ वैक्सीनेशन शुरू किया गया है वो काफी ज्यादा प्रभावकारी साबित हो रहे हैं, और अब लोगों का और पूरी दुनिया के देशों का एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि किस तरीके से कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके या फिर इसे यहीं पर खत्म किया जा सके। चौथी अपडेट, देश भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में आज 6,09,845 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। 2 मार्च शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 1,54,61,864 वैक्सीन डोज लगाई गई है।
अब तक कुल डोज की श्रेणियों में 67,32,944 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज दी गई, 26,85,665 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाई गई, 55,47,426 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज और 828 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी डोज लगी, 60 साल से ज्यादा उम्र के 4,34,981 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई, 45 से 59 वर्ष के 60,020 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली में आज कुल 21,277 टीके लगे हैं। पांचवी अपडेट, हरियाणा स्कूल हॉस्टल में कोरोना विस्फोट, 54 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के करनाल में एक स्कूल हॉस्टल में 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करनाल के सिविल सर्जन योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि मेरी टीम ने यहां का दौरा किया है और हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर 390 छात्रों और टीचर्स का सैंपल लिया गया, जिनमें 54 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हर जगह खलबली मच गई है। इनमें से 54 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत आने वाला स्कूल है। ये सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत खोले गए स्कूल है। साथ ही में भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल को अलग अलग विंगों में विभाजित कर दिया गया है और भविष्य में अगर इनमें से किसी भी विंग में कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस विंग को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और फिर बाद में इसे पूरा सैनिटाइज करके दोबारा से स्कूल को खोला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी और भी कई सारी खबरें लेकर आती रहूंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिए कमेंट सेशन के थ्रू। धन्यवाद।